हाय एंड अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक ज़बरदस्ती न्यू रेसिपी ट्राई करूं, और ये बेसिकली इंस्पायर है हमारी पाकिस्तानी एक टेलीविजन एक्ट्रेस है, शी मेड इट एंड आई लाइक द रेसिपी अ लॉट। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई करूं, और इट इज़ मेड अप बाय एग प्लांट, ब्रिंजल या बैगन, जो भी आप कह लो। तो वैसे भी बैगन बहुत कम लोग खाते हैं, और या फिर उसको बेसिकली कुछ ऐसे अचारी बैगन बहुत मशहूर हैं, बट इट इज़ कम्प्लीटली अ न्यू रेसिपी और इसके टोटल 3 स्टेप्स होंगे। तो लेट्स ट्राई इट। आई होप आप लोग को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फर्स्ट स्टेप की जाने पड़ते हैं। ऑन अ फर्स्ट स्टेप मैंने पॉट लिया है, पॉट में मैंने ऐड किया 2-3 टेबल स्पून ऑयल, और उसमें मैंने एक लार्ज साइज ऑफ अनियन चॉप करके ऐड कर दिया, और इसको हमें जब तक भूनना है, जब तक पकाना है, तब तक ये गोल्डन हो जाती। अच्छा जी, कि हमारी प्याज थोड़ी सी पिंक हो गई है, यानी कि वाइट कलर से ज़रा हट गई है, थोड़ी पिंकिश हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी ब्राउन होना भी स्टार्ट हो गई है एज यू कैन सी। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और जब इस तरह से गोल्डन हो जाएगी प्याज, फिर हम नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी मैं, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटोज। ओके, तो इट हैज़ बीन डन। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो प्यूरी, जो मैंने पेस्ट यानी टोमेटो पेस्ट जो मैंने बना लिया था, 3-4 मीडियम साइज टोमेटोज का। अगर आप चाहो तो टोमेटोज चॉप करके भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। ओके, तो अब थोड़ा वाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि लगे नहीं मसाला। और अब इसमें हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। अब स्पाइसेस क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, यानी हसबे जायका, और मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून, या 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो आप, जस्ट फॉर अ टेस्ट, ठीक है, इतना बस। और इसमें ऐड करेंगे हम टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी 1/2 टीस्पून, राइट। इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है, गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, लिटिल बिट मोर, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब ज़ीरा पाउडर जो है वो हमने भुना कुटा ज़ीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं, यानी कि ज़ीरे को भून के उसका पाउडर जो है वो ऐड करेंगे। ओके, तो इसको मिक्स कर रही हूँ मैं, और अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, जितना पकाना है कि तब तक इसका ऑयल जो है ऊपर नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे ही ऑयल आएगा तो हमारी, और थोड़ा थिक भी हो जाएगा तो टोमेटो पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा। सेकंड स्टेप है, इसमें जो मेरे पास ब्रिंजल्स थी यानी एग प्लांट या बैगन व्हाटएवर जो भी कह रहे हैं, इसको मैंने सोक कर लिया वाटर में। इस तरह मैंने डी शेप में या क्यूब शेप में कट करें, ठीक है। आप अगर चाहो तो उसको राउंड भी कट कर सकते हो, यानी कि जैसे चाहो वैसे कट कर लो, और इसको 10 मिनट्स के लिए हम ठंडे पानी में सोक कर लेंगे, सही है। और फिर जब तक मैं नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ। ओके जी, तो हमारे 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, इसकी सोकिंग के। तो अब ये कि इसको हम ज़रा पानी से निकाल लेंगे, और इसकी हम करेंगे मैरिनेशन। अच्छा, मैंने सोक कर लिया, तो अब जल्दी से इसके मसाले के प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा यानी कि ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं कर रही, बस तब और ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा बस, 1 टीस्पून सॉल्ट है। अब हम इसमें लेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूंगी, राइट, आई हैव डन, ठीक है। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, मैंने मैरिनेट कर लिया मसाला आके, अब इसको 10 मिनट्स के लिए मैरिनेशन हो रही है। तब तक मैंने सोचा क्यों ना थर्ड स्टेप पे आ जाएं, जो लास्ट है।
तो लास्ट स्टेप है थर्ड वाला, वैसे तो एंड नहीं हुआ है स्टेप्स। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने दही ली है, दही मैंने ली है टोटल 1.5 से 2 कप, ठीक है, इसको पहले मैं फेंट लेती हूँ, विस्क कर लेती हूँ। ओके सो इट हैज बीन डन। अब इसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूंगी, चिल्ली फ्लेक्स ऐड करूंगी, कुटी हुई लाल मिर्ची, वो आप हंसबे जाकर ऐड कर दो, अगर आपको ज्यादा मिर्च ऐड करनी है तो आप ज्यादा ऐड कर दो, वैसे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, ठीक है, क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट खाते हैं, कोई ज्यादा स्पाइसेस खाता है, कोई कम खाता है। ओके एनीवे, अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुटा भुना जीरा, ठीक है, यानी कि रोस्टेड जीरा। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जीरा पाउडर होगा तो उसको भी आप रोस्ट कर लो, ठीक है, 1 टेबल स्पून हो गया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटा भुना धनिया पाउडर, यानी कि धनिया पाउडर है, उसको आप रोस्ट कर लो, या फिर आप धनिया क्या कहते हैं साबुत धनिया लेके उसको आप रोस्ट करके देन आप उसको कूट लेंगे। ओके ओके हैज बीन डन। अब इसको जरा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ओके डन, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप जो है कि हमने जो मैरिनेशन करी थी ब्रिंजल्स की, मैरिनेशन इसकी करी थी 5 to 10 मिनट्स के लिए, अब इसको हम करेंगे स्टिर। यह है मैंने फ्राई पैन और उसमें मैंने थोड़ा ऑयल ऐड कर दिया है 2 to 3 टेबल स्पून, इतना यानी ऑयल ऐड करना है कि आप जब इसमें बैगन फ्राई करोगे स्टिर फ्राई तो वो बैगन आपके गल जाए अच्छी तरह से, कच्चे ना रहे, ठीक है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, माशाल्लाह से बैगन जो है वो फ्राई हो गए स्टिर फ्राई, ठीक है, जो इसका मसाला है वो भी मैंने ऑयल से निकाल दिया था। और अब बारी है इन दी एंड डेकोरेशन की या गार्निशिंग की। से पहले जो हमने ये ब्रिंजल्स जो है वो करी थी फ्राई, वो ऐड करनी है, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ठीक है, लाइक दिस, ऑयल आप इसका निकाल लेंगे, टिश्यू में भी निकाल सकते हैं चाहे। ठीक है, इस तरह इसको मैंने फैला लिया सब तरफ, इस तरह हमने पूरी ब्रिंजल की लेयर लगा दी। अब इसमें सेकंड लेयर लगाएंगे गाइस, तो सेकंड लेयर हम ऐड करेंगे टमाटर की जो चटनी बनाई है हमने उसकी। ओके लाइक दिस, लुक्स यमी ना। अच्छा सबसे मजे की बात मुझे इस रेसिपी की ये लगी है कि देखें, जैसे कि हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया था योगर्ट में, बट ब्रिंजल में भी सॉल्ट है, चटनी में भी सॉल्ट है, तो वो कवर हो जाएगा। सेकंड थिंग के स्पाइसेस जो हैं वो हमने ब्रिंजल में ऐड किए हैं और योगर्ट में ऐड किया, चिली फ्लेक्स जैसे कुटी हुई लाल मिर्ची तो स्पाइसी होती हैं, तो वो ईजीली चटनी भी कवर कर लेगी, तो बहुत मज़े की रेसिपी है और ये स्टाइलिश भी लग रही है ना, ठीक है। अब ये ज़बरदस्ती सेकंड लेयर भी हो गई है, अब हम आएंगे बिल्कुल 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 लास्ट स्टेप पर, और लास्ट स्टेप है हमारा योगर्ट, जो हमने योगर्ट का एक तरह से आप रायता कह सकते हो बनाया था, तो अब हम उसको पुट करेंगे लाइक दिस, वाओ लुक्स क्रीमी, ठीक है। अब ये ज़बरदस्ती हमारी थर्ड लेयर भी आ गई है दही की, ठीक है, आप चाहो तो उसको फुल कवर कर लो, चाहो तो इस तरह छोड़ दो, तो इस तरह ये है कि हमें रेड कलर भी नज़र आ रहा है, वाइट भी आ रहा है, उसको रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त होता है, ठीक है। अब बिल्कुल बिल्कुल जो लास्ट स्टेप है वो है भगार, हम ऑयल ऐड करेंगे जितना भी आपको रिक्वायर्ड है, जितना आप चाह रहे हो, वैसे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, अब नज़र आ रहा होगा इसलिए, ठीक है। और इसमें हम भगार किस किस का लगाएंगे, हम लगाएंगे पत्ता, साबुत लाल मिर्चें और जीरा ऐड किया है, ठीक है, जीरा से मैं ला लूँ, और अब इसका हम लगाएंगे भगार, ठीक है, और अब इसमें भगार लगा रहे हैं, इस तरह स्प्रेड कर देंगे सब तरफ, आप चाहो तो स्पून से भी स्प्रेड कर सकते हैं,
किया, तो ये ज़बरदस्ती मसाला योगर्ट एग प्लांट रेसिपी रेडी हो गई है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप चाहो तो इसको राइस के साथ यूज़ करो, या चाहो तो आप रोटी के साथ खाओ, जिसके साथ भी खाओ, बट इट्स रियली यमी। और आप प्लीज इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, प्लीज़ 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 प्लीज़। एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।